राम राम किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त हरी राम पटेल एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिजेंटा का जो नया इंसेक्टिसाइड आया है, वेस्टोरिया इंसेक्टिसाइड के बारे में। वेस्टोरिया में कौन सा केमिकल कंपोजिशन है, वेस्टोरिया को कौन कौन से फसल पर उपयोग कर सकते हैं, वेस्टोरिया कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसान भाइयों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेस्टोरिया इंसेक्टिसाइड के बारे में। किसान भाइयों, वेस्टोरिया इंसेक्टिसाइड 2023 में ही लॉन्च किया है सिजेंटा ने। वेस्टोरिया इंसेक्टिसाइड में जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में बात करें तो ट्राई फ्लू में जो पायरी 20%। किसान भाइयों, सेम टेक्निकल आपको पेक्सालोन में देखने को मिलता है लेकिन उसमें ट्राई फ्लू में जो पायरी 10% रहता है, इसमें सिजेंटा ने 20% बनाया है। तो किसान भाइयों, ये धान की फसल में लगने वाला भूरा माहू BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर के नियंत्रण के लिए बनाया गया है। किसान भाइयों, भूरा माहू यानी कि BPH को समय रहते नियंत्रण नहीं किया तो ये देखते ही देखते 10 से 12 दिनों में पूरे धान की फसल को चौपट कर देता है। इतना ख़तरनाक होता है ब्राउन प्लांट हॉपर, इसलिए सिजेंटा ने इसे लॉन्च किया है वेस्टोरिया इंसेक्टिसाइड को। इसको हम धान के फसल में भूरा माहू के अटैक आने से पहले और आने के बाद दोनों ही स्थितियों में इसका उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, वेस्टोरिया इंसेक्टिसाइड भूरा माहू के साथ साथ हरा माहू को भी पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है। किसान भाइयों, वेस्टोरिया इंसेक्टिसाइड भूरा माहू के जितना भी अवस्था होता है, अंडा, लार्वा, एडल, वयस्क, सभी अवस्था को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। किसान भाइयों, ये था सिजेंटा का नया इंसेक्टिसाइड वेस्टोरिया के बारे में जानकारी। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए किसान भाइयों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।